मेरी लव स्टोरी चोरी 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 चीजें मैं आपके साथ ही देख रही हूँ, मतलब स्वॉच फर्स्ट इम्प्रेशन ही हो रहा है मेरा। आपके लिए कुछ भी। 99% मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं बिना मेकअप के सब प्रोडक्ट्स ट्राई करूं। 50 रुपीज का मिलता है क्या है? क्वालिटी क्या कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले उठो। हेलो माय गैंग, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज का वीडियो होने वाला है एक हॉल और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में। तो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड और कोलैबोरेशन वीडियो। मैंने एक ही बॉक्स में दोनों बॉक्स के प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं, दो अलग अलग ऑर्डर्स किए थे मैंने। तो स्विस ब्यूटी का जो नया क्रेज वाला सीरीज लॉन्च हुआ है वो ही ट्राई करने के लिए मंगाए हैं मैंने। तो चलिए फिर देखते हैं वीडियो में हमने क्या क्या मंगाया है। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जो ये स्विस ब्यूटी की न्यू सीरीज लॉन्च हुई है वो कुछ इस तरह की अट्रैक्टिव पैकेजिंग में आती है, तो ये देखने में काफी बढ़िया लगता है। नाम कहाँ पे है? ये है स्विस ब्यूटी का क्रेज आईलाइनर्स एंड स्टैम्प ड्यूओ। हमेशा निकाल के रखने चाहिए प्रोडक्ट्स दिखाने से पहले, तो मुझे इसको दोनों साइड से खोलना पड़ा क्योंकि एक साइड से खोल के ये नहीं निकल पा रहा था। एंड लुक एट दिस, ये पूरा ऐसा मैट फिनिश में है इसका पैकेजिंग, आई लाइक दैट। और ये हाई पिगमेंटेशन स्मच प्रूफ ऐसे लिखा हुआ है एंड इसका MRP 299 रुपीज है। और इस तरह से यहाँ पे ये स्टैम्प दिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से लगता है स्टैम्प लगाने के, स्टैम्प ऐसे लगता है। तो जिनको विंग लाइनर बनाने नहीं आता उनके लिए अच्छा है। एंड ये रहा आईलाइनर, ओह दिस इज वेरी पिगमेंटेड। और इसका कुछ गंदा स्मेल नहीं लगा मुझे, मेरे को पतला लगाया मोटा लगाया। और ये स्मच प्रूफ है ऐसे उन्होंने बताया हुआ है, वाटर प्रूफ के बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो आई लाइक इट। और इसका पैकेजिंग काफी अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज जो मैंने ऑलरेडी खोला था, स्विस ब्यूटी का क्रेज टिंटेड लिप बाम। और ये कितने से क्यूट से पैकेजिंग में आता है और ये ऐसे नियॉन पिंक कलर में आता है विथ कोकोआ बटर। एंड यू कैन सी मैंने यूज किया था, इसका स्मेल भी अच्छा है, स्मेल से कोई ये नहीं है। ये तो इस पर लिप बाम अप्लाई कर दूं फिर से, लेकिन मैंने सी दैट, कैन यू सी दैट? ओ लुक एट दिस, ये देखो ये ऐसे न्यूड सा चॉकलेटी काइंड ऑफ शेड मैंने मंगाया है। इस टाइम मैंने कुछ अलग ट्राई किया है, नहीं तो मेरे पास हमेशा पिंक्स एंड ऑरेंजेस ही होते हैं, टिंटेड है। और अभी इसके ऊपर भी अच्छे से अप्लाई हुआ और मेरा लिक्विड लिपस्टिक निकला भी नहीं, ये भी मुझे अच्छा लगा। हमारा अगला प्रोडक्ट है ब्यूटी क्रेज आई शेडो एंड ब्लशर का ड्यूओ जो आता है। इसमें ये इत्तु सा है और इसमें हमें ये चार शेड्स मिलते हैं। एंड लुक एट द ब्लश, और यहाँ पे एक मिरर भी दिया हुआ है हमें। किधर गया? और ये रहे आई शेडोज। ये काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, कैरी करने के लिए अच्छा है और स्टडी पैकेजिंग है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जब ट्रैवल करेंगे तो कैरी करने के लिए। 3 या 4 जो भी वेरिएंट्स होंगे वो सारे ऐसे ही है कि रेगुलर डे टू डे लाइफ में ऐसे कुछ चंकी चटैक या फिर ऐसे वाइब्रेंट कलर्स नहीं है। तो ये ऊपर वाले 4 जो है वो आई शेडो शेड्स है और नीचे वाला जो है वो ब्लश है। ये जो शेड्स है वो बिल्कुल भी मुझे चौकी नहीं लगे, बहुत ही स्मूथ फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कैरी इट विथ मी जब मैं ट्रैवल करूँ, ये मेरे साथ हमेशा जाने वाला है। इत्तु सा तो है, किसी भी पर्स में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज स्विस ब्यूटी का लिप एंड चिक मैक्रॉन, और ये कुछ इस तरह का पैकेजिंग है। मुझे पैकेजिंग बेहद पसंद है। ये है स्विस ब्यूटी का क्रेज लिप एंड चिक मैक्रॉन, और ये जो शेड है उसका नाम क्या है? इसका नाम है एप्पल पाई। ये देखो, लुक एट द कलर, ओ माय गॉड, सीरियसली ऐसे ये पूरा ऐसे स्मूथ बटरी सा होता है ना, उसमें हाथ फेरने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। वो सो क्रीमी, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, लुक एट द पिगमेंटेशन। और ये डस्की स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगने वाला है, मतलब गोरे लोगों पे तो लगेगा ही लेकिन ये डस्की स्किन पे बहुत ज्यादा प्रीटी लगने वाला है। इससे भी ज्यादा ये कलर अच्छा लगेगा, लिप्स पे भी अच्छा लगेगा। ये देखो, ये लिप्स पे भी अच्छा लगेगा।
लेकिन ये यूज करते वक्त बहुत गंदा होने वाला है. इतना सुंदर सा ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग दिया है. और नेक्स्ट प्रोडक्ट इज विज ब्यूटी का क्रेज ड्यूओ मस्कारा. ये ड्यूअल पर्पज मस्कारा है. इसमें लेंथनिंग भी और वॉल्यूमनाइजिंग दोनों मस्कारा हमें मिलते हैं. इट्स वॉकिंग. खुल जा. लुक एट दिस. ओह माय गॉड आई लव इट. मतलब मुझे ये इसका शेप भी अच्छा लगा. लुक एट दिस कैसा है ये देखो. और मुझे ये जो मैट फिनिश में बनाए हुए है ना अभी के प्रोडक्ट्स, तो मुझे वो भी पसंद आया. स्विस ब्यूटी का जो वॉल्यूमराइजिंग नहीं लेंथनिंग मस्कारा है वो मैंने यूज किया हुआ है. कौन सा वाला मैं इधर डाल दूंगी. वो सिल्वर कलर का आता नहीं है वो मुझे बेहद पसंद है. आज भी मैंने वही लगाया हुआ है. ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने फॉर वॉल्यूम एंड फॉर लेंथ. सो दिस इज फॉर वॉल्यूम. देख सकते हो मोटा सा ब्रश है ये. एंड दिस इज फॉर लेंथ. तो ये बहुत ही स्लिम सा ऐसे दिया हुआ है वॉन्ड हमें. ट्राई करके दिखाना पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं अलग से शूट करके डाल देती. पैकेजिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन के हिसाब से तो मुझे सब प्रोडक्ट्स बेहद पसंद आ रहे हैं ये स्विस ब्यूटी के क्रेज रेंज के. और लास्ट प्रोडक्ट मूविंग टूवर्ड्स अर लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस क्रेज रेंज. दिस इज प्राइमर विथ मोरिंगा सीड ऑयल एंड जापोनिका सीड ऑयल. ये है फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इवन आउट पोर्स. वाटर प्रूफ. ऑयल कंट्रोलिंग है. और ये प्लास्टिक पैकेजिंग मैं अभी खोलने वाली हूँ. कितना टाइम जाएगा पता नहीं मुझे. ओ दिस इज नाइस पैकेजिंग. पैकेजिंग आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट्स पैकेजिंग. ओ माई गॉड लुक एट दिस. ओह क्यों ना अच्छा लगे. क्यों ना अच्छा लगे देखते ही पहले. एंड पंप बॉटल है विच इज गुड थिंग. आजा 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 आजा. ये देखो. तो ये मेरे ख्याल से सिलिकॉन बेस्ड ही है वह. इसका कोई भी स्मेल नहीं है. यस ये मैंने कुछ ज्यादा ही लगा दिया लेकिन दिस इज वेरी सॉफ्ट. और मेरे ख्याल से ये ने पोर्स को फिल कर देखा. मतलब पोर्स को इवन आउट करने में हेल्प करने वाला है डेफिनेटली. स्मेल सो गुड एंड इट फील्स वेरी सॉफ्ट ऑन द स्किन. उसी में मुझे ये दो प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं. एक है स्विस ब्यूटी का फुल कवरेज कंसीलर और दूसरा है बेकिट अवे ट्रांसल्यूसेंट लूज पाउडर. और मैंने पर्पल से वैसे तो ज्यादा टाइम शॉपिंग नहीं की लेकिन पर्पल पे सेल्स जब होते हैं तो डील्स जो मिलती है वो अमेजिंग होती है. बहुत ही बढ़िया होती है. कोशिश करूंगी कि मैं सब प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं. और मुझे तो सब प्रोडक्ट्स अच्छे ही लगे हैं. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो का कुछ फायदा हो जाएगा. और आपको इसमें से कुछ लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ले सकते हो. मुझे तो बेहद पसंद आए हैं. वैसे भी मैंने स्विस ब्यूटी के आज तक जितने प्रोडक्ट ट्राई किए हुए मुझे सब अच्छे लगे हैं. और स्विस ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है कि इट्स अफोर्डेबल येट गुड क्वालिटी. क्रेज वाली रेंज जो है वो देख के मन को शांति मिलती है. मतलब बहुत अच्छा लगता है. यू फील हैप्पी. वाइब्रेंट कलर्स है ना. तो इसीलिए. और मेरे ख्याल से दे आर गोइंग टू वर्क वेरी वेल. पिगमेंटेशन अच्छी है. कवरेज अच्छी है. एवरीथिंग एवरीथिंग इज गुड. और अभी आपने देख लिया है तो आपको इसमें से कुछ चाहिए तो आप जाके ले सकते हो. मैं कोशिश करूंगी ये मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूं. और आपको वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप. और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना. जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. मस्त रहिए. मजे में रहिए. मेरी वीडियोस देखते रहिए. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.